हेलो स्टूडेंट, तो कल जो है चैप्टर टू ख़त्म हो गया। आज चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला चैप्टर है। इसमें दो तीन टॉपिक हैं जो समझाना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको पढ़ के याद करना है क्योंकि वो आ जाएंगे, वो बहुत ईजी हैं। तो हम जो आज का टॉपिक लेके आए हैं थर्ड चैप्टर में, वो टॉपिक है उल्वेदन यानी कि एमनियोसेंसिस। इस प्रक्रिया को आपकी बुक में पूछा गया है कि जो उल्वेदन की प्रक्रिया है ये गैर कानूनी है कि कानूनी है, मतलब सही है कि गलत है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जानेंगे कि उल्वेदन क्या है। तो उल्वेदन ऐसी तकनीकी है जिसमें मादा के गर्भ से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती है। फीटस मीन्स क्या होता है, मैंने चैप्टर टू में बताया था कि फीटस क्या है, भ्रूण है। जब ये इस निषेचन के बाद जो इसकी अवस्था होती है उसको फीटस कहते हैं। तो मादा के गर्भ से एमनियोटिक द्रव जो सिरिंज के द्वारा बाहर निकाला जाता है जिसमें फीटस की कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं द्वारा फीटस के रोगों का, विकारों का पता लगाया जा सकता है, और इसके सेक्सुअल और जो इसका अंग होता है यानी कि जनन अंग जो होता है उसका भी पता लगाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि इसकी कोशिकाओं को देखा जाता है, चेक किया जाता है कि ये क्या है। तो बहुत लोग जो हैं वो तो सही मायने में इसका चेकअप करवाते हैं, लेकिन बहुत लोग जो हैं वो गलत मायने में इसका चेकअप करवाते हैं। अगर उनको पता चल गया कि ये मेल नहीं फीमेल है तब ये लोग गर्भपात करवा देते हैं, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, मादा भ्रूण हत्या करवा देते हैं। इसीलिए ये तकनीकी होती है, लेकिन वो होती है बहुत ही डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद, बहुत ही लिखा पढ़ी के साथ होती है ये तकनीकी, क्योंकि उसमें पता लगाया जा सकता है कि शिशु जो है, जो भ्रूण फीटस है वो कहीं किसी विकार से, अगर विकार है उसके अंदर या फिर उसकी किसी भी ऑर्गन में कोई दिक्कत है तब तो उसको हम उसको जो उसका गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल है और उसका गर्भपात करा दिया तो ये कानूनन कार्रवाई होती है। तो ये है उल्वेदन की प्रक्रिया। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, और ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, और इसमें तीन टॉपिक हैं आगे जो केवल पढ़ने हैं और समझने हैं, बाकी तो हम पढ़ के भी उसको रट के भी, मतलब रटना नहीं है, एक बार देखेंगे तो स्टोरी टाइप का लगेगा तो याद कर सकते हैं। केवल दो तीन टॉपिक है इसमें जो बताना है। तो अब इस चैप्टर थ्री में ये पहला टॉपिक हो गया है, अब आगे के टॉपिक में आगे बात करेंगे, ठीक है।